समर्थक और वारिस पंजाब डे का प्रमुख अमृतपाल सिंह को पकड़ने में अब तक पंजाब पुलिस को कामयाबी नहीं मिल पाई है। अमृतपाल सिंह के खिलाफ 6 FIR के अलावा नेशनल सिक्योरिटी एक्ट भी लगा दिया गया है। हाल ही में उसके नेपाल में देखे जाने की खबरें सामने आ रही हैं। इससे पहले भी आशंका जताई जा रही थी कि अतीक अहमद का बेटा भी भागकर नेपाल में छुप गया था। अब सवाल ये उठता है कि हम उसे नेपाल से पकड़कर भारत क्यों नहीं ला पा रहे हैं? क्या भारत और नेपाल के बीच प्रत्यर्पण संधि नहीं है? अगर है तो उसमें क्या है जिससे अपराधियों का प्रत्यर्पण नहीं हो पा रहा है? आज हम बात करेंगे कि प्रत्यर्पण संधि क्या होती है, किन देशों से हमारी संधि है और किन देशों से नहीं है। नमस्ते, मैं हूं मानसी और आप हैं मंच पर। सबसे पहले ये समझते हैं कि प्रत्यर्पण संधि क्या होती है। प्रत्यर्पण संधि दो देशों के बीच एक ऐसा समझौता होता है जिसके मुताबिक देश में अपराध करके किसी दूसरे देश में छिपने वाले अपराधी को पकड़कर पहले देश को सौंप दिया जाता है। भारत की 48 देशों के साथ प्रत्यर्पण संधि है। इसके साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट कई और देशों के साथ प्रत्यर्पण संधि करने की कोशिश कर रही है। इंटरनेशनल लेवल पर कई देशों के साथ इस तरह की संधि है जिससे उनके देश के भगोड़े अपराधियों को दूसरे देशों में छुपने की जगह ना मिले। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग टेररिस्ट, क्रिमिनल्स और आर्थिक अपराधियों के साथ ही कई तरह के मामलों में दूसरे देशों से मदद मिलती है। भारत के समय अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया के साथ ही दुनिया के 48 देशों के साथ प्रत्यर्पण संधि है। इनके अलावा सऊदी अरब और रूस जैसे बड़े देश भी इस लिस्ट में शामिल हैं। इसके अलावा 12 देशों के साथ भारत की प्रत्यर्पण व्यवस्था है। एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी और अरेंजमेंट में वही फर्क है जो एग्रीमेंट और प्रॉमिस में होता है। अरेंजमेंट में किसी कानून की ढाल बनाकर एक देश दूसरे देश को उसका अपराधी सौंपने से बच भी सकता है। भारत के पड़ोसी देशों में सिर्फ भूटान से प्रत्यर्पण संधि है। अब बात करते हैं कि किन किन देशों के साथ ये संधि नहीं है। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चीन, मालदीव और म्यांमार से प्रत्यर्पण संधि नहीं है। नेपाल के साथ भारत की प्रत्यर्पण संधि के हालात न होने के बराबरी है, क्योंकि नेपाल की कोइराला सरकार ने अक्टूबर साल 1953 में प्रत्यर्पण संधि की थी और फिर बाद में इसमें संशोधन का मुद्दा उठा। साल 2006 के बाद से कई बार दोनों देश संधि में संशोधन के लिए साथ आए पर उस पर अमल नहीं ला पाए। भारत नेपाल ने साल 2005 में नई प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर किए थे जिसमें आतंकवादियों और आर्थिक अपराधियों के प्रत्यर्पण की व्यवस्था की गई थी। माना गया था कि इससे नई चुनौतियों और नेपाल व भारत के कुछ हिस्सों में माओवादी हिंसा से निपटने में मदद मिलेगी। हालांकि बाद में इसमें संशोधन की जरूरत महसूस की गई। नतीजतन नेपाल में किसी भी इंडियन क्रिमिनल को अरेस्ट करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि नेपाल पहुंचते ही मामला इंटरनेशनल हो जाता है। ऐसे हालात में क्रिमिनल को अरेस्ट करके इंडिया लाने में कई नियम कानून अड़े आते हैं। किसी क्रिमिनल को पकड़कर लाने के लिए दोनों देशों की सरकारों के लेवल पर बातचीत करनी पड़ती है। सबसे पहले पुलिस को इंडियन गवर्नमेंट की होम मिनिस्ट्री में कॉन्टैक्ट करना होगा। उसके बाद गृह मंत्रालय विदेश मंत्रालय से बात करेगा। इसके बाद विदेश मंत्रालय नेपाल के विदेश मंत्रालय से बातचीत करेगा। फिर नेपाल की होम मिनिस्ट्री अपनी पुलिस को सहयोग करने या अरेस्ट कर सौंपने का निर्देश देता है। अब जब इतना लंबा प्रोसेस होगा तो इसका फायदा उठाकर क्रिमिनल किसी दूसरे देश निकल जाता है। नेपाल के साथ अच्छे संबंधों के चलते कुछ मामलों में सभी प्रोटोकॉल को दरकिनार करते हुए अपराधी को दबोचकर भारत लाया जा चुका है। उदाहरण के तौर पर ऐसे ही एक मामले में जो फरवरी साल 1965 में पंजाब के पूर्व CM सरदार प्रताप सिंह कैरो की हत्या में शामिल अपराधियों को नेपाल से पकड़कर लाया गया था। ऑपरेशन को DIG अश्विनी कुमार ने लीड किया था। हालांकि अगर स्थानीय लोग उन्हें घेर लेते तो मुश्किल खड़ी हो सकती थी। स्टोरी को आपके लिए तैयार किया है हमारे साथी मंचकार ऋषभ ने। ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें।